नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक खबर मिला है कुछ ही दिन पहले, जो कि वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया ये सब कम से कम 200 मिलियन यूज़र को बंद करने वाला है। ठीक है, जो तो ये क्यों बंद होगा और किस लिए ये सब सर्विस प्रोवाइडर इसको बंद कर रहा है, तो आपको आज इसमें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फ़ोन का जो सिम कार्ड लेते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें मतलब रिचार्ज नहीं कराते। तो महीने में होता है ऐसा कि कोई कोई ऐसा होता है कि बात ही नहीं करता है फ़ोन को, ऐसे ही मतलब ऐसे ही सिम कार्ड भर के रख देता है, रिचार्ज भी नहीं करता है। तो इसलिए जो नुकसान हो रहा है जो सर्विस प्रोवाइडर को, तो इसलिए ये सब लाया है ऐसा प्लान कि मिनिमम जो है आपका 35 रुपया रिचार्ज करना पड़ेगा अगर आप एयरटेल या फिर आइडिया, वोडाफोन ये सब सिम कार्ड यूज़ करते हो तो। ठीक है, ऐसे तो जियो का कोई ऐसा कुछ नहीं है, जियो का तो मिनिमम आपको 49 रुपया रिचार्ज करना ही है। यहाँ एक ग्राफ दिखाया गया है, मतलब ग्राफ तो नहीं कहूँगा, यहाँ एक बात बताया गया है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। जो भारतीय एयरटेल की तरफ से लाया गया है वो है आपका 35 रुपया पर मंथ। यहाँ बताया गया है कि जो मिनिमम है ये 35 रुपया है, और कितना लोग 35 रुपया के मतलब कम रिचार्ज करते हैं, तो यहाँ एक बताया गया कि 100 मिलियन लोग जो है ये 35 रुपया तक भी रिचार्ज नहीं कराते। ठीक है, और जो एयरटेल का मिनिमम रिचार्ज है वो 10 रुपया है, तो 10 रुपया के एवरेज में वो सब रिचार्ज कराते हैं, क्योंकि 10 रुपया का कार्ड मिलता है वही रिचार्ज करा लेता है, यही इसका मैक्सिमम रिचार्ज होता है। ठीक है, और एनुअल रिवेन्यू फ्रॉम देम, मतलब जैसे कि उसी रिचार्ज से कितना होता है ना, 1200 करोड़ आपको मिल जाता है एनुअल रिवेन्यू। ठीक है, और अगर ये जो हाफ़ लोग है, अगर इससे आधा लोग भी अगर मतलब 35 रुपये का रिचार्ज मिनिमम वो कराते हैं R2 का, तो उससे कितना फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ जो बताया गया है 2100 करोड़ इसको फ़ायदा होने वाला है, किसको ना, एयरटेल को। अब यहाँ एक और दिया गया है जो कि वोडाफोन और आइडिया के तरफ से है। आप सब जानते ही होंगे कि वोडाफोन और आइडिया अभी एक हो गया है, तो 5 पैन इंडिया जो प्लान आया है वो 35 रुपया पर मंथ में है, जैसे कि एयरटेल का भी है। तो यहाँ आपका जो इसका आरपू बिलो है वो 10 रुपया करके है, जैसे कि आपको पता ही होगा, और इसका जो है वो 150 मिलियन यूज़र्स ऐसे है कि वो 35 रुपये का रिचार्ज नहीं करा, मतलब मिनिमम 35 रुपये रिचार्ज नहीं कराते। ठीक है, तो इसका भी सेम है। और एनुअल रिवेन्यू से क्या होता है, क्या 1800 दोनों मिलाकर, ठीक है, 1800 करोड़ इसको फ़ायदा होता है, मतलब रेवेन्यू एनुअल होता है। और अगर इसका आधा भी 35 रुपया मतलब आरपू क्या होता में आ जाते हैं, तो इसको 3144 करोड़ पर ईयर रेवेन्यू आएगा। ठीक है, तो आपको ये हिसाब पूरा ठीक समझ में आ गया होगा, तो आप ये समझ गए होंगे कि किस लिए ये जो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ये सब ये प्लान लाया है 35 रुपये का। तो इसको बहुत ही काफ़ी मतलब नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो अभी ये प्लान जो आया है ये आ गया। तो आपको एक चीज़ बता दूं जो कि बहुत ही बिलो एवरेज, मतलब उसका मिनिमम एनुअल इनकम भी मतलब बहुत ही कम एनुअल इनकम है, तो उसको ऐसे मतलब प्लान से रिचार्ज कराना और पर मंथ 35 रुपया भी उसको फ़ोन के पीछे रिचार्ज कराना काफ़ी दिक्कत होता है। आप सब मतलब हमारे वीडियो देखने वाले भी, वीडियो देखने वालों में से भी ऐसे कुछ होंगे जो कि ऐसा हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम हो, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकता है कि मिनिमम 35 रुपया रिचार्ज कराना पड़ेगा और मतलब उसको खर्चा मतलब खर्चा भी करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए अच्छा है कि बुरा है और आम आदमी के लिए अच्छा है कि बुरा है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास का बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय।